वहाँ लड़की के साथ ऐसा व्यवहार, यहाँ दद्दू जी के साथ ऐसा व्यवहार, आखिर कौन सिखाया आपको? वैसे हम आपको एक बात बताएं, किसी लड़की को ऐसे छेड़ने के बदले आप अच्छी सी लड़की पटा लो और उससे शादी कर लो, लाइफ सेट। क्यों बे, हमारे शादी में बाजा बजाने का इरादा है का? ओह, लगता है किसी लड़की से मन भर गया है तो हमारे मत्थे मरना चाहते हो क्या? छी छी छी, हम ऐसे नहीं है भैया, हम तो एक ही लड़की से प्यार करते हैं और बहुत जबर प्यार करते हैं, तन मन धन से प्यार करते हैं। अच्छा छोड़िए भैया, अभी आप उस लड़की से जो ब्रेसलेट छीने थे ना, हमें वापस दीजिए। मजाक कर रहे हैं बे? दे दीजिए ना। चल भाग चुपचाप। दे दीजिए ना, बोले ना, भागो चुपचाप। चल बे। देखते क्या नाटक है। ए बंद कर रे, ए चले बंद करो, चला क्या ये फालतू का गाना बजाना लगा रखा है तुमने सड़क के बीचों बीच? हाँ, अपने को फोन में कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। ए
आज अपुन के भाई का बर्थडे है, समझा क्या? जोस्ती नाटक नहीं मांगता तेरा। हाँ तो जो बर्थडे मनाना है अपने घर में घुस के मनाना। सुन ले, हद से आगे बढ़ रहा है तू। देखो ये येड़ा अपने को हद सिखा रहा है। ए छोटे, इसे खर्चा पानी देते हैं। चल चले हटो। साले कमीने, आज भाई का जन्मदिन है। जानता है ये करोड़ों के भगवान है भगवान, और ये हम लोगों के दिलों में धड़कते हैं, दिलों में। आज ये नहीं है तो क्या हम इनका जन्मदिन भी नहीं मना सकते? इसकी सजा तो तुझे दी। शांति से बर्थडे पार्टी मना रहे थे। अब जब बर्थडे पार्टी मना रहे हैं तो गाना बजाना डांस वांस तो चलता ही रहेगा ना। इसमें ये भाई बीच में टांग अड़ाने आ गए, इसके डर से बर्थडे पार्टी ना मनाए क्या? तुम लोग अभी बर्थडे पार्टी मना रहे थे? मुझे डांस करना बहुत पसंद है। क्या बात है? ए मावाली, लोग पार्टी मना रहे हैं, तुझे क्या प्रॉब्लम है? एक टूटी ना उल्टे हाथ का सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। भाई ये तो धमाल है। चलो चलो पार्टी सेलिब्रेट करते, जल्दी चलो। चलो चलो इसे भी ले लो। ए सुनो, गाना बजाना शुरू करो। अबे हट गई है क्या तेरी? काहे को मजा किरकिरा कर रहा है? मुझे हाथ लगाने वाला है कौन तू? तेरा बाप। अबे देख क्या रहे हो सालो?
उधर किस बात का शोर मच रहा है? अरे भाऊ, वो गणेश भाऊ के घर में आदमी है, उसने किसी लड़की को उल्टा सीधा बोल दिया, उसका झगड़ा है। असका है, ज्यादा चूचा की ना तो यही गाड़ दूंगा, समझा ना? चलो अब हटो। तूने एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद करके रख दी। रुक रुक रुक, मैं कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं किया। मेरी बात सुन, मैं बताता हूँ। चल भाग। उस दिन जिस दिन अपना पहला लफड़ा हुआ था ना, उस दिन मैं उस लड़की को पहली बार देखा। अपुन ने सोच लिया अपुन इसको छोड़ेगा नहीं, बस मौका ढूंढ रहा था। और किस्मत से वो अपुन को प्लेटफॉर्म में मिली। उस दिन अपुन और अपुन का दोस्त ट्रेन से कहीं जा रहा था, अमरपुर स्टेशन पर वो बैठी हुई दिखी। अपुन ने सोचा अच्छा चांस है। भाई चल निकल यहाँ से, पुलिस है। और पुलिस की वजह से सारे प्लान पर पानी फिर गया, हम लोग कुछ कर ही नहीं पाए। मानसी के साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ, मुझे ये बात मानसी को बतानी होगी। अब दीपक उसे जरूर अपना लेगा, अब मानसी की उजड़ी जिंदगी सवर जाएगी, उसकी खुशियां वापस लौट आएगी। मेरी बेटी को भगा के ले गया तू? आप गलत समझ रहे हैं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, वो दरअसल मानसी। ए, अब ये भी तेरे को बोलना पड़ेगा? इसकी एक भी हड्डी बची तो तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा। सर पहले मेरी बात सुन लीजिए। Bar mujhe